बिग बॉस 17 में वाइल्ड कार्ड बनकर कौन आएगा, कौन है जो बिग बॉस 17 को अब बचाएगा। जिस तरीके से इस शो की टीआरपी आ रही है और जिस तरीके से शो को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार शो में वो बात नहीं जो कि होनी चाहिए थी, तो अब मेकर्स लगातार कुछ वाइल्ड कार्ड्स को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। राखी के नाम की चर्चा थी, अंजलि के नाम की चर्चा थी, लेकिन अब जो है खबर आ रही है कि शो में एक ऐसा नाम आ रहा है जो शो का एक्स कॉन्टेस्टेंट रह चुका है। मैं बात कर रही हूँ अब्दू रोजिक की। जी हाँ, अब्दू रोजिक के बिग बॉस 17 में आने की जो है खबरें चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि अब अब्दू जो है शो में वाइल्ड कार्ड बनकर आने वाला है। हालांकि बहुत सारे नाम ऐसे आए और उसके बाद जो है खबरें आती हैं कि नहीं भाई वो नहीं आ रहा है, फिर खबर आती है नहीं ये नहीं आ रहा है, लेकिन अब ये खबर है कि अब्दू ने शायद ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है और वो शो में आने के लिए तैयार है। अगले हफ्ते के वीकेंड का वार तक उसकी एंट्री हो सकती है। सोशल मीडिया पर इस तरीके का जो है दावा किया जा रहा है, हालांकि इसको लेकर ऑफिशियली किसी तरह की कोई खबर नहीं आई, लेकिन क्या वाकई में अब्दू शो का हिस्सा बनेगा? क्या आपको लगता है कि वाकई में अब्दू जो है इस साल ये शो करेगा? अभी नावेद था, वो गया, लेकिन हमने ये देखा कि कैसे अब्दू भी बहुत ज़्यादा जो है शो में एक्टिव रहने की कोशिश अपनी तरफ से भी करता था और जो वो पूरा मंडली का साथ उसे मिला था वो भी उसको जो है बार बार चीज़ें बताता था, समझाता था कि क्या चल रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें नावेद के साथ जो है मिसिंग थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में अब्दू के शो में आने से शो में कुछ चार चांद लगेंगे? आप क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं।